मीत में लीजिए, मीत ने चूल्हा चौका जो है ना घर का वो संभाल लिया है इन द लिटरल सेंस, क्योंकि क्या है ना कि उनके गांव में खाना तो चूल्हे पे ही बन रहा है, तो ये एक्सपीरियंस भी अच्छे से इंजॉय कर रही है, और नहीं भी कर रही है तो इनके पास ऑप्शन नहीं है कोई। ये तुमने चूल्हे में आग कैसे लगाई? कि आग की कमी तो मेरे अंदर भी कम ना है। हे बुरा न मानो भाई, होली है होली है, ऐसा मीत के ससुराल वाले मीत को कह रहे हैं। अब वो क्या है ना, होली इनके इधर अभी मनाई जा रही है। इस होली की खुशी लगता है मीत को कुछ इतनी हो गई है कि घर की सभी औरतों के काम वो खुद अकेले ही कर रही है, या फिर यूं कहें कि सासू माँ ने एक टास्क दे दिया है कि जाओ जाओ रसोई की बाग दौड़ तुम अकेले ही संभालो। जी वैसे तो ये टास्क मैंने खुद ने लिया था, बिकॉज अब जैसे मैंने डिसाइड कर लिया है इन घर वालों को सुधारना है, और फिर ऑफकोर्स उन्हें थोड़ा थोड़ा अपनाना है मुझे अब, और ये फैमिली के लिए ऐसे मेरा मन कर रहा था होली है कुछ अच्छा करूँ, सब लोगों के लिए खाना वाना बनाऊँ और बाकी सारी औरतों को आज छुट्टी दे दूँ। चूल्हा फूकना पड़ेगा, मसाले हाथों से पीसने पड़ेंगे, सब्जियां भी खुद अकेले ही काटनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर स्वादिष्ट पकवान बनेंगे। मीत के लिए ये मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल कर दिया गया है क्योंकि गैस नहीं यूज़ कर सकते, चूल्हे पे बनाना है, मिक्सी नहीं यूज़ कर सकते, सिलबट्टे पे सब पीसना है, हाथ से काटना है, सब खुद से करना है, तो ये टास्क है आज का। और उसे भी और ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल बनाने के लिए हमारे घर में इमरती भाभी गुणवंती भाभी जी हैं, तो इमरती भाभी ने लकड़ियाँ भी गीली कर दी, मैं चूल्हा जलाऊँ कैसे, पर मैं तो मीत हूँ कर ही लूंगी कुछ ना कुछ। वो देखिए सब कुछ करने की कोशिश कर रही है, और पीछे से घर की जितनी भी लेडीज है ना वो मीत के काम को देख रही हैं और ताज्जुब में भी पड़ रही हैं कि मानना पड़ेगा मीत में कोई न कोई बात तो है ही। जी सब बना लूंगी और बहुत अच्छे बनाऊंगी, इतने अच्छे बनाऊंगी कि खाने वाले अपनी उंगलियां खा जाएं। वैसे होली वाला खाना तो मीत ने बना लिया है, अब बारी है होली खेलने जाने की, जिसमें धमाल भी होगा मस्ती भी होगी, और पहली बार आपको मीत और मनमीत की जुगलबंदी भी दिखाई देगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।